Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. मैं विकास श्रीवास्तव, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दिया। कोरोना काल चल रहा है, हर कोई घर पर है और बड़ा अच्छा ही माहौल है कि आप अपने जीके को मेंटेन करें, तेज करें, फास्ट करें। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया और ऐसे क्वेश्चन जो सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग भी भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट नंबर 3 ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा हो गया, बैंक हो गए, बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीजें से रिलेटेड है आज का वीडियो जो हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या है और ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, पहला है भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। स्टॉक एक्सचेंज होता है ये भारत में सबसे पहले पुराना, मतलब सबसे पहले जो बना था वही तो अब इस समय सबसे पुराना माना जाएगा, तो वो कहाँ है। तो ये आप जान जाइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या वो क्या है, कहां के बजाय क्या है। कहां है तो पता चल गया बॉम्बे में, लेकिन क्या है, क्या उसका नाम है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम है उसका, सबसे पुराना एक्सचेंज स्टॉक इसी को बोलते हैं। योजना आयोग का गठन, ये तो बहुत पूछा जाता है भाई, जैसे पूछ दिया जाए भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहाँ है, SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो। तो ऐसे हो गया, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, 1950 ईस्वी में हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ढेर सारे एग्जाम में आता है, तो इस चीज को, इस सन को आप याद कर ले, 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है, जो पूरी तरह से पूर्ण माना जाए, सबसे पहला पूर्ण अगर भारतीय बैंकों में गिनती किया जाए तो पहले, सबसे पहले कौन सा बैंक आता है, SBI, PNB, HDFC या कौन सा, तो भारतीय पूर्ण बैंक में आता है PNB। दिस इज ऑल्सो ए VIP क्वेश्चन, PNB। अगला ऐसे है, सार्वजनिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन है, SBI, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ा बैंक SBI ही माना जाता है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए, हर साइड से मिलाकर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI है। SBI का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक, ये देखिए एक नया वर्ड आया है, मोबाइल बैंक, ये मोबाइल बैंक सबसे पहले कहां स्थापित हुआ इंडिया में, सबसे पहला कौन सा मोबाइल बैंक है, ये जो स्थापित हुआ कहां हुआ, तो मोबाइल बैंक जो है खारगोन, जो कि MP में है, वहां सबसे पहला मोबाइल बैंक स्थापित हुआ था, MP मतलब मध्य प्रदेश के खारगोन नामक प्लेस पर, ठीक। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, कई ग्रामीण बैंक है, मतलब ये बना वो बना, ये ग्रामीण बैंक ये यहाँ इस राज्य में उस राज्य में, लेकिन सबसे पहले ग्रामीण बैंक कब बना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बना, 2 अक्टूबर 1975 में सबसे पहला ग्रामीण बैंक बना। देश का पहला ग्रामीण बैंक, क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रामीण बैंक क्या नाम है उसका, उसका नाम था प्रथम बैंक, प्रथम बैंक को देश का पहला ग्रामीण बैंक बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को, और वही पहला बैंक उसी का नाम था, पहला बैंक मतलब उस ग्रामीण बैंक ही, ग्रामीण बैंक का सबसे पहला नाम क्या था, पहला बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है, मोस्ट BIP कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका बहुत ही VIP क्वेश्चन है, तो मुंबई में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का
जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है जीके से रिलेटेड। फिर सरकारी साख संगठन साख का शुभारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में। सरकारी साख या संगठन साख का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। भारतीय में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ, भारत में जो रुपए का अवमूल्यन हुआ वो सबसे पहले 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई। अभी आप ऊपर आपने एक टॉपिक एक पॉइंट पढ़ा कि भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका आंसर था मुंबई, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ तो ये हो गया 1956, 1956। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक विशेष ही महत्व रखते हैं। सभी वन डे के जो इतने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, भारतीय LIC का मुख्यालय, LIC का स्थापना दिवस, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन जीके से रिलेटेड। तो 1956 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी मुंबई में है। कितना आसान है याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मुंबई में LIC का भी मुख्यालय है, अब भारतीय रिजर्व बैंक का भी मुख्यालय है, SBI का भी मुख्यालय है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल ऑफ यू, अ लॉट्स ऑफ थैंक यू।